नमस्कार विद्यार्थियों, मैं संजीव कुमार वर्मा, सह आचार्य SPC गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर से आप लोगों से मुखातिब हूं। हम MA फाइनल की पूर्व की कक्षाओं में जो चैप्टर पिछली कक्षा में हमने लिया था वो था बैरियर्स टू डिस्ट्रीब्यूशन एंड मीन्स ऑफ डिस्पर्सल ऑफ प्लांट्स के बारे में। इसी कक्षा में हम उसी का दूसरा टॉपिक जो है वो हम पढ़ेंगे, पादप प्रकीर्णन अवरोध के बारे में या बैरियर्स टू प्लांट डिस्पर्सल के बारे में। पादपों के प्रकीर्णन में अनेक प्रकार के अवरोध उपस्थित होते हैं जिनके कारण इनका प्रसार सीमित हो जाता है। पादप प्रवास की प्रक्रिया में बाधा उत्पन्न करने वाले विभिन्न अवरोधों को पादप प्रवाह के रोग व अवरोध कहते हैं। ये रोग भूपृष्ठ पर वनस्पति के असमान वितरण के लिए भी उत्तरदायी हैं। इन्हें हम 6 वर्गों में बांट सकते हैं। पहला जो वर्ग है वो कहलाता है स्थलाकृति अवरोध या टोपोग्राफिक बैरियर। भूपटल पर विस्तृत विभिन्न स्थलाकृतियां, पर्वत, पठार, घाटियां, झरने, झीलें, नहरें आदि पादपों के प्रकीर्णन को अवरुद्ध करते हैं। विशाल पर्वत श्रृंखलाओं व गहरी घाटियों को विभिन्न माध्यमों से विस्तृत होने वाले बीजों द्वारा पार करना लगभग असंभव सा हो जाता है। इसी प्रकार हिमालय के उत्तर व दक्षिण तथा रॉकीज व एंडीज के पूर्व एवं पश्चिम में पाए जाने वाले वनस्पति जात में व्यापक असमानता मिलती है। दूसरी प्रकार का जो अवरोध है वो कहलाता है क्लाइमेटिक बैरियर या जलवायवी अवरोध। किसी भी क्षेत्र की विशिष्ट जलवायु दशाएं पादपों के प्रकीर्णन को सीमित करती हैं। अपने उत्पत्ति स्थल से प्रतिकूल जलवायु दशाओं में पहुंचकर बीज अंकुरित नहीं हो पाते। उदाहरणार्थ अल्पाइन वनस्पति उष्ण मरुस्थलों में नहीं पनप सकती। इसी प्रकार शीतोष्ण प्रदेशों के बीज यदि पवन या प्रवाहित जल के द्वारा उष्ण कटिबंध में पहुंच जाए तो भी अंकुरित नहीं हो पाते। जलवायु के विभिन्न तत्व जैसे तापमान, आर्द्रता, सूर्य प्रकाश, वर्षण आदि पादपों के लिए अनुकूल व प्रतिकूल दशाएं उत्पन्न करते हैं। किसी प्रदेश की जलवायु में आने वाला कोई भी परिवर्तन प्रकीर्णन को सीमित कर देता है। तीसरी प्रकार के जो अवरोध वर्ग है वो है मृदीय अवरोध या एडाफिक बैरियर। प्रत्येक स्थलीय पादप के विकास के लिए अनुकूल मृदा का होना आवश्यक है। बीजों के अंकुरण के लिए मृदा की भौतिक संरचना, रासायनिक संरचना, आर्द्रता व ह्यूमस का अत्यधिक महत्व होता है। प्रकीर्णन के विभिन्न साधनों द्वारा परिवहित बीज यदि मृदा आवरण रहित नग्न चट्टानों, खनन मलबे के ढेर, निर्मित क्षेत्र, भवन, सड़क आदि अथवा अनुपयुक्त मृदा सतह पर गिर जाए तो अंकुरित नहीं हो पाते। चौथी प्रकार का जो वर्ग है वो कहलाता है जैविक अवरोध या बायोटिक बैरियर। विभिन्न जैविक कारक बीजों के प्रकीर्णन को अवरुद्ध करते हैं। यदि किसी क्षेत्र में पहले ही जाति विशेष के पादपों का प्रभुत्व है तो विस्तृत होकर आने वाले नवीन बीजों के अंकुरण व विकास की संभावना समाप्त
तो हो जाती है। नवीन पादप स्थान व संसाधन उपलब्ध होने पर ही पनप सकते हैं। विभिन्न शाक बक्षी प्राणी भी अवरोध का काम करते हैं। ये नए अंकुरित पौधों को चट कर जाते हैं या खा जाते हैं या निगल जाते हैं, जिसके कारण भी बीज अंकुरित नहीं हो पाते। मानव के अनेक क्रियाकलाप यथा खनन, निर्माण, कृषि आदि पादपों के प्रकीर्णन में बाधा उत्पन्न करते हैं। मानव अपने लिए अनुपयोगी या कम उपयोगी पादपों को शीघ्र नष्ट कर देता है। तेजी से फैलने वाले पादप जैसे गाजर घास, विलायती बबूल आदि अपने निकट अन्य पादपों को विकसित नहीं होने देते। टिड्डियों व दीमक से प्रभावित क्षेत्रों में भी नवीन पादप विकसित नहीं हो पाते। पांचवा जो अवरोध है, पांचवा जो वर्ग है वो कहलाता है महासागरीय अवरोध या ओशनिक बैरियर। विस्तृत महासागर भी स्थलीय पादपों के प्रकीर्णन को अवरुद्ध करते हैं। इनकी गहराई व विस्तार अधिक होने के कारण इनके दोनों तटों के पादप सफलतापूर्वक विस्तृत नहीं हो पाते। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के अत्यंत निकट होते हुए भी न्यूजीलैंड में भिन्न वनस्पति जात की उपस्थिति महासागरीय गतिरोध का सबसे बड़ा उदाहरण है। महासागरीय जल के भिन्न गुणधर्म यथा तापमान, खारापन, गहराई, शुद्ध जल की आवक, जल धाराएं, जल राशियां आदि जलीय वनस्पति के प्रकीर्णन को सीमित कर देते हैं। निश्चित तापमान या लवणता में उगने वाले पादप भिन्न गुणधर्म वाले जलीय क्षेत्र में पहुंचकर नहीं पनप पाते। जलधाराओं व समुद्री तूफानों के कारण जलीय पादप भिन्न क्षेत्रों में पहुंच जाते हैं। छठा जो वर्ग है अवरोध के संबंध में वो कहलाता है विस्तृत स्थलीय रोध या एक्सटेंसिव लैंडस्केप बैरियर। पादपों व बीजों के प्रकीर्णन के मार्ग में विस्तृत स्थलीय भूभाग भी अवरोध उत्पन्न करते हैं, विशेषतः जलीय वनस्पति के प्रकीर्णन को अवरोध करते हैं। जल डमरू मध्य के दोनों ओर स्थित जल राशियों की वनस्पति में भिन्नता से इसे अच्छी तरह समझा जा सकता है। धन्यवाद। अब हम कल एमए भूगोल की इसी चैप्टर के अंतर्गत अगला जो टॉपिक लेंगे वो होगा मीन्स ऑफ डिस्पर्जल ऑफ प्लांट्स के बारे में, कि पादपों का प्रकीर्णन कितने प्रकार का होता है और किस प्रकार से होता है, उसके बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।